ये हमारा घर था। इधर जो है ना, अब मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ पे मेरे पापा के बड़े भाई रहते थे, हम लोग यहाँ रहते थे। इधर आदिवासी बस्ती थी पीछे, और ये उन्हीं के पेड़ हैं। यहाँ पे एक दादी थी जो इन दोनों बेरों के बेर बेचती थी। बाजरा लेके हम आते थे, उससे बेर लेके जाते थे। तो ये पूरा सेक्टर इधर आदिवासी पैरा था। और उसके बाद इसके इधर जो है जाटव रहते थे, और उससे और पीछे कुशवाहा रहते थे। भाई उन्होंने देखा था कि यहाँ एक शेर है, लायन, गिरी राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात में गिरी राष्ट्रीय उद्यान है ना जी, वहाँ लायन शेर पाए जाते हैं, इधर उधर कहीं नहीं है इंडिया में। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ लायन आ रहे हैं, और लायन आने के बाद में यहाँ का बहुत अच्छा नाम होगा, मैं आप लोगों को बड़ी सुविधाएँ मिलेंगी, मजदूरी मिलेगी, और आपके लड़के नौकर लगेंगे, तो गांव खाली कर दीजिएगा। तो हमने सोची भाई ठीक है, सरकार ने जैसा निर्णय लिया है, केंद्र सरकार का निर्णय है ये, तो गांव खाली कर देंगे, बस सुविधाएँ हमको चाहिए। 23 साल चल रहे हैं, बहुत व्यवस्था आई है, आने में तो परेशानी है, पानी की परेशानी है, और फसल मसल वैसे वही परेशानी है। जो तो जंगल बंद कर दिया, बिल्कुल लकड़ी लाने नहीं देते हैं, और सारी परेशानी आ रही है। वो जब जंगल में थे अब तो फल फल उठते, बच्चे को पाल लेते, बील लाते, तेंदू लाते, महुआ लाते, कोसम लाते, मतलब कहिए की व्यवस्था कर लेते, मतलब चारा का लाते, मतलब चारा घास बेच लेते। अब चारा घास भली गया, हम खुद की मवेशी के लिए अब घास नहीं आ पा रहा है कहीं से, चारा में बताऊंगा एक मवेशी नहीं बांध पा रहे। अब तारी सारी व्यवस्था थी, मतलब कुल में लागे बाद नदी से पानी पी लेते, हेडपम्प की हमें जरूरत नहीं थी, और जहाँ बोर लगवा दें चार चार में बोर में पानी की व्यवस्था नहीं है। भाई बुरा तो इसलिए लगता है कि इतने लोगों को गुमराह किया, ये वहाँ एक तो जो है अशिक्षित एरिया था, कोई शिक्षित तो था ही नहीं, तो शिक्षित एरिया ना होने के कारण, एक भोले लोग होने के कारण, और सब लोगों को इतना गुमराह किया, और गुमराह करके हमको इस पत्थर में डाल दिया, जबकि हमारी वहाँ की ज़मीन 100-100 फुट तक पत्थर ही था उस ज़मीन में, बिना खाद के और बिना पानी के मैं फसल होती थी उसमें, लेकिन सरकार ने हमको गुमराह किया है, भोले लोगों को। लकड़ी के लिए जाना पड़ता है तो कितनी दूर जाना पड़ता है? जंगल में गलाई मैया 5 बजे सकाई के जाता संजा को बार बार जामा पत्थर सग महीना में जाते बहन जी हम तो सगाई में ही पता जाते ही रहते इतने एक जिला तो माते पदर का कितने एक चंद जाएंगे गाड़ी तो नहीं लांगे भर के 2 दिन बार लाई फिर 3 दिन आप जाके काटते भी तो लगेंगे ना। वो वहाँ की सुविधा तुलना की जाए, वहाँ की तुलना मान सुविधा हो यहाँ की तो काफ़ी अंतर है। वहाँ लोगों को जंगल से जंगल पर अधिकतर निर्भर थे, तो उनको तेंदू वगैरह जंगल के जितने फल हैं, बील वगैरह बील हैं इतने इतने बड़े आते हैं, बहुत जो 1-1 किलो आधी आधी किलो के रहते हैं तेंदू रहते हैं, इतने इतने बड़े रहते हैं, जो तेंदू का पेड़ होता है उसमें लगे रहते हैं, अचार गुच्छे के रूप में रहता है, ठीक है, और जितने गोंद है, चीड़ है, और खैर का गोंद जो खाने खाने के लिए उपयोग में आती है, और एक ढोकड़ी का गोंद, इस तरह की जो सुविधाएं हैं तो वहाँ की जितनी नहीं मिल पा रही हैं लोगों को यहाँ पर। और ज़्यादा समस्या ये कि लकड़ी लकड़ी की दिक्कत बहुत आ रही है, जो महिला जाती हैं वहाँ जंगल में तो वहाँ से लाती हैं 25-30 किलोमीटर दूर से लकड़ियाँ, तब जाके यहाँ रोटी बन पाती हैं।
जी हमारा मतलब विस्थापन सही नहीं हुआ था, हमारा विस्थापन गलत हुआ। क्यों हमको परेशानी आई और परेशानी भी आ रही है। वहाँ से हम हटा दिए तो यहाँ कहीं हमारी कोई व्यवस्था नहीं। अभी कुआं में पानी नहीं है, कोई कोटरा नहीं है, कोई हमारे लिए मतलब कोई सुविधा नहीं है। जितनी मांग है एक भी मांग कोई ऐसी सपूर्ण नहीं करी कि जे विशेष परिस्थिति है, बीमारी में परेशानी, काज जुबार में परेशानी, खर्चा में परेशानी, अब कौन से क्या है?